अभी ध्यान दो इधर। अभी लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था, तो नोटपैड ओपन करके टाइपिंग किया था, समझे ना। लास्ट वाले लेक्चर में क्या कर दिया था, नोटपैड ओपन करके टाइपिंग का प्रैक्टिस कर दिया था। अभी आज हम माउस का प्रैक्टिस करने वाले, समझे ना। किसका प्रैक्टिस करने का है, माउस का प्रैक्टिस करने का है। तो माउस का प्रैक्टिस कैसे करते हैं देखो, तो उसके लिए पेंट ब्रश ओपन करने का है। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, पेंट। तो पेंट चालू करने के लिए किधर जाओगे, सबसे पहले तो स्टार्ट बटन के ऊपर जाने। कौन सा बटन दबाओगे, स्टार्ट के ऊपर एक बार जाके क्लिक करने का सिर्फ, हो गया। उसके बाद किधर जाओगे, जैसे नोटपैड ओपन किया था उधर जाने का है। किस में जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद बोलो किधर गए थे, एसेसरीज, और जैसे नोटपैड में गए थे वैसे ही किधर जाओगे, पेंट के ऊपर जाने का, समझा। नोटपैड की जगह किधर जाओगे, सिर्फ पेंट के ऊपर क्लिक करने का है, समझ रहे। पहला वे। अभी दूसरा तरीका कौन सा है, स्टार्ट के ऊपर जाने का। कौन सा बटन दबाओगे, स्टार्ट बटन, बाद में लिखा है इधर सर्च करके। सर्च में क्या लिखने का है, क्या लिखा पढ़ो जरा, पी ब्रश। क्या लिखा है, पी ब्रश। पी ब्रश जाने के बाद देखो इधर आ रहा है ऊपर पी ब्रश करके, तो इस पी ब्रश के ऊपर एक बार क्लिक करोगे सिर्फ, समझे ना। पी ब्रश के ऊपर क्या करने का, एक बार क्लिक करो, या फिर अपने एसेसरीज से ऊपर किया तो भी चलेगा, किधर भी आके एक बार सिर्फ क्लिक करने का है, समझेगा। और जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, देखो आ रहा है पेंट की विंडो ओपन होगी, समझेगा। जो नोटपैड में देखा था वही सॉफ्टवेयर इधर भी है। सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा है, अनटाइटल। अनटाइटल मतलब क्या बोलता, फाइल का नाम। अभी तक हमने फाइल को नाम दिया क्या, नहीं दिया, इसलिए फाइल का नाम आ गया इधर। ये वाला पेंट मतलब सॉफ्टवेयर का नाम, ये क्या बोला था, टाइटल बार बोला था। ये तीन बटन मालूम है ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अभी इधर देखो फाइल मेनू था उसमें, समझे ना, उसके अंदर क्या था, फाइल मेनू था, लेकिन इधर फाइल मेनू नहीं है। तो जैसे हम इधर क्लिक करेंगे ना, तो फाइल मेनू ही ओपन हो जाएगा। देखो आ रहा है वापस हटाने का, तो इसके ऊपर ही क्लिक करो एक बार, समझेगा। मेनू चालू की जैसे करोगे, फाइल मेनू के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये सब ओपन हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी। अदरवाइज इसके ऊपर ही क्लिक करो, समझेगा। इसको टैब बोलने का है, क्या बोलने का, इसको टैब। फिलहाल कौन सा है, ये होम टैब है और दूसरा व्यू है ना। तो आज के दिन हम सिर्फ होम के ऊपर क्लिक करने का है। आज के दिन क्या करोगे, सिर्फ हम होम टैब का प्रैक्टिस करने का है। और दूसरा कौन सा है, व्यू टैब ना। देखो मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ एक बार, देखो ऐसा अगर व्यू दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले किधर क्लिक करोगे, होम के ऊपर जाके एक बार क्लिक करने का सिर्फ, समझ रहे। इतना बात नहीं मालूम है ना, स्क्रोल बार पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हो रहा है, ऊपर नीचे पेज। इधर से जाए तो आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, देखो आ रहा है लेफ्ट राइट। ये बटन पढ़ो क्या लिखा है, जूम आउट। माइनस साइन दिया ना, माइनस के ऊपर क्लिक करोगे तो साइज कम हो जाएगी, देखो हो रहा है साइज कम हो गया। लेकिन साइज बढ़ाने का तो कितना हो गया, जूम इन, ये कितना तक रखने का, 100 तक रख दो, आया समझ में, समझेगा इतना तक। हाँ आज क्या देखने का, पेंसिल। आज क्या देखने का है, ड्राइंग का प्रैक्टिस करने का ना, उसके लिए क्या करोगे, पेंसिल का यूज करने का है। देखो आज क्या चालू करने का, पेंसिल चालू करने का ना। तो पेंसिल के लिए देखो, उससे पहले माउस के बारे में देखते थोड़ा। पेंसिल लाने के बाद मैं जब बोलूंगा ना ड्रैग करो, तो ड्रैग का मतलब क्या है, ये माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखने का है, समझे ना। माउस का लेफ्ट बटन क्या करने का है, दबा के रखने का है, और बाद में माउस को खींचने का, ऐसा समझे ना। ये बटन दबा के माउस को नीचे खींचने का है, क्लिक नहीं करने का सिर्फ, ये बटन दबा के, दबा के माउस को नीचे खींचने का है, तो उसके बोलते हैं ड्रैग। तो अभी देखो ड्रैग कैसे करते हैं, उसके लिए पहले किधर जाओगे, ये दिख रहा है पेंसिल। आज के दिन हम सिर्फ पेंसिल के बारे में देखने का है। ये पेंसिल के ऊपर क्लिक कर दिया, आ गया। अभी नीचे आ जाओ थोड़ा, माउस को नीचे लेके आते, दिख रहा है पेंसिल। लेकिन अभी जैसे माउस घुमाओगे कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो पहले क्या बोला था मैंने, ड्रैग ना, और ड्रैग का मतलब क्या बताया था, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखने का है। माउस का जो लेफ्ट बटन है ना, वो दबा के रखो, और बाद में लिखते जाओ एक एक, देखो आ रहा है जो भी चाहिए। लेफ्ट बटन छोड़ दो अभी, कैसे आ रहा है, देखो टूट गया उधर ही, और चाहिए और लेफ्ट बटन दबा दो, समझेगा। इतना आ रहा है, समझ रहे इतना तक, कुछ भी ड्राइंग हो रहा है ना, लेफ्ट बटन दबा के रखने का, किधर भी खींचने का माउस को,
आ रहा इतना अभी, इतना ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए अभी, मतलब इसको मिटाने का है। तो इसको रिमूव करने के लिए कितने जाओगे? सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सबको क्या करने का है? सिलेक्ट। तो लास्ट लेक्चर बताया था हमने कि सबको सिलेक्ट करने का तो शॉर्टकट किस क्या है, बोलो वापस एक बार याद से, क्या शॉर्टकट किस सबको सिलेक्ट करने का है? तो कौन सा बटन दबाओगे? पहला कंट्रोल बटन दबा के ए दबाने का है, कंट्रोल ए किया तो क्या होगा? सब सिलेक्ट होता है। और पीछे आने के लिए कौन सा बटन दबाया था? कंट्रोल बटन दबा के जेड। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की याद रखो, समझेगा? तो अभी हम सबको सिलेक्ट करने का है, तो सबको सिलेक्ट करने का तो कीबोर्ड के ऊपर का कंट्रोल बटन दबा के ए दबाने का है। अब इधर ऊपर ध्यान रखने का, इधर डॉटेड लाइन आ जाएगी, जैसे सिलेक्ट हो जाएगा ना, इधर ऊपर डॉटेड लाइन आ जाएगी। देखो हमने क्या कर दिया, कंट्रोल बटन दबा दिया और ए बटन दबा दिया। देखो इधर आ गई डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन आ गई मतलब ये सिलेक्ट हो गया। अभी अभी नहीं चाहिए तो कौन सा बटन दबाओगे? डिलीट बटन। नहीं चाहिए तो कौन सा बटन दबाओगे? डिलीट बटन। देखो चला गया कीबोर्ड के ऊपर का, हो गया। अभी हमें वापस एक स्टेप पीछे आने का है, मतलब जो डिलीट किया था वही एक स्टेप पीछे लाने का है। तो उसके लिए कौन सा बटन दबाओगे? कंट्रोल जेड। आ गए एक स्टेप पीछे, समझ रहे इतना? बोलो सर वापस एक बार क्या करोगे? सबको सिलेक्ट करने का तो क्या करोगे? कंट्रोल ए, और नहीं जो तो क्या करोगे? डिलीट बटन। हो गया डिलीट। और पीछे आने के लिए क्या बटन दबाया था? कंट्रोल जेड। इतना तक समझ में आया सबको? अभी आज क्या करने का है? अलग अलग ड्रॉ करने का है, उसको ही डिलीट करने का है। तो हम इसको डिलीट कर दिए, कंट्रोल ए कर दिया और डिलीट कर दिया। वापस अभी पेंसिल चाहिए, तो पेंसिल के लिए किधर जाओगे? ये दिख रहा है पेंसिल, इसी के ऊपर जाने का एक बार, है ना? अभी थोड़ा प्रॉपर शेप देखते हैं ड्रॉ करने के लिए। अभी हम कुछ नाम वगैरह लिखने के लिए देखते हैं, समझे ना? कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। देखो इधर क्लिक करके रखा, ऐसा खींचने का जैसा भी नाम चाहिए ऐसा आ रहा है, बीच में से खींचने का है, इधर से खींचो ऐसा आ रहा है ए करके, वापस बी निकालने का है। जितना आप पेंटिंग, ये जो लिखा ना पेंसिल, पेंसिल का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको माउस इजीली समझ में आएगा कैसे पकड़ने का है। अभी बी लिखते हैं सपोज, तो लिखो इधर, समझे ना? माउस छोड़ दिया इधर से, अभी खींचने का इधर से ऐसा आ रहा है बी, समझ रहे? पहले दिन आपको प्रॉपर नहीं आएगा, थोड़ा ऐसे ही ड्रॉ करने का है। इतना हो गया सपोज ड्रॉ करके, अभी हमें ये नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो पहला क्या करना पड़ेगा? सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या शॉर्टकट की सबको सिलेक्ट करने का है? तो कंट्रोल ए बटन दबाने का है। हो गया सिलेक्ट, लेकिन पता कैसे चलेगा कि सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर देखो डॉटेड आ गई ना, मतलब सब सिलेक्ट हो गया। और नहीं जाए तो कौन सा बटन दबाओगे? डिलीट। हो गया। अभी वापस हमें नया ड्रॉ करने का है, तो पहले किधर क्लिक करोगे? पेंसिल के ऊपर जाने का है। देखो आगे पेंसिल के ऊपर, अभी थोड़ा और प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए देखते हैं। जितना ड्राइंग ज़्यादा करोगे उतना अच्छी तरह आएगा आपको निकालने के लिए। दिखा इधर, समझे ना? आप जितना ड्राइंग अच्छा करोगे, ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करते बैठने का इससे ही आ रहे। देखो कर दिया ना ड्रॉ, इसको हटाने का। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबको क्या करने का है? सिलेक्ट करने का है। क्या है शॉर्टकट कीज? कंट्रोल ए। नहीं चाहे तो कौन सा बटन दबाओगे? डिलीट। आया समझ में? समझेगा इतना तक? अभी थोड़ा और अच्छी तरह ड्राइंग देखते हैं। इधर ही गए, समझे ना? इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ऐसे पहाड़ ड्रॉ करने का। देखो इधर से ड्रॉ कर दिया, प्रॉपर ड्रॉ करने का, माउस का क्लिक छोड़ने का नहीं, ऐसा आ गया। इधर ऐसे जॉइंट के ऊपर ही निकालने का, ऐसे इधर से निकालने का नहीं, अंदर से ड्रैग करो, क्योंकि कुछ भी पार्ट्स ओपन नहीं होना चाहिए। आ रहा इतना? आ गया। अभी इसके अंदर हमें कलर फिल करने का है, तो कलर फिल करने के लिए क्या होगे? ये पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है इधर फिल विथ कलर। क्या लिखा है? फिल विथ कलर मतलब बकेट दिया है,
इस बकेट के ऊपर क्लिक कर दे एक बार, कौन सा कलर फिल करने का है, फिलहाल कौन सा कलर आएगा, एक नंबर के ऊपर जो कलर है ना वही कलर आ जाएगा, बोलो ना ब्लैक कलर फिल होगा, लेकिन हमें ब्लैक कलर चाहिए क्या, तो हमें दूसरा कलर चाहिए, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करो, दिख रहा है ब्राउन कलर, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दिया, क्या लिया था, बकेट लिया था ना, और अंदर आके क्या करोगे, एक बार क्लिक करो सिर्फ, समझे ना, अंदर आके क्लिक करने का, लेकिन कलर किधर फिल होना चाहिए, ये इतने बॉक्स के अंदर ही कलर फिल होना चाहिए, बाहर फिल होना चाहिए क्या, नहीं, तो देखो एक बार क्लिक कर दिया इधर, देखो क्या हो गया, सिर्फ बॉक्स के अंदर फिल हो गया कलर, नहीं फिल हुआ ना, तो पीछे आना पड़ेगा एक स्टेप, तो पीछे आने के लिए क्या शॉर्टकट की बताया था, कंट्रोल जेड, ऐसा कुछ भी रॉन्ग हो गया तो कंट्रोल जेड करके पीछे आने का। अभी बोलो जरा क्यों कलर इसके अंदर ही फिल नहीं हुआ, सभी जगह क्यों फिल हुआ, तो इधर देखो ये ज्वाइंट है क्या, नहीं ज्वाइंट है, मतलब चारों साइड से ज्वाइंट करने का है, ज्वाइंट किससे करोगे, पेंसिल से, क्या लेने का है, पेंसिल लेते, कलर चाहिए तो कौन सा लोगे आप, ब्लैक कलर आ गया, इसको ज्वाइंट करो इधर, ऐसे ज्वाइंट कर दिया, हो गया ज्वाइंट, बराबर है। अभी वापस कलर फिल करने के लिए जाते, किधर से जाओगे बोलो, पहला क्या लेने का है, बकेट सिलेक्ट करो, लिखा ना फिल विथ कलर, अभी डायरेक्ट फिल करने का है क्या, पहला देखने का इधर, एक नंबर के ऊपर कौन सा कलर है, तो ब्लैक कलर है, दूसरा कलर चाहिए तो उसके लिए क्लिक करो इधर, और अंदर आके क्या करोगे, एक बार क्लिक करो, देखो तो फिलहाल वैसे ही हो रहा है, इधर से ज्वाइन किया फिर भी वैसे ही हो रहा है ना, तो पहले मिस्टेक समझने के लिए क्या करोगे, एक स्टेप पीछे आने का है, कौन सा बटन है बोलो, पीछे आने के लिए कंट्रोल जेड, आ गए एक स्टेप पीछे, अभी देखने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी देखो कलर फिल करते तो बाहर जाता है ना, तो कलर बाहर कभी जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट अगर चारों साइड से बंद नहीं रहेगा तो ये कलर बाहर जाएगा, लेकिन इधर इजीली दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, ये जूम लेवल बढ़ाने का, लिखा इधर जूम लेवल, जूम लेवल बढ़ा के चारों साइड से देखते जाने का, एक बार देखो इधर जूम लेवल बढ़ा दिया, हो गया जूम लेवल, अभी जरा चेक करो इधर से, ये देखो इधर से सब जॉइंट है ना, इधर थोड़ा इधर से नीचे खींचते और थोड़ा आगे जाते, इधर तो जॉइंट है, आ रहा थोड़ा आगे, ऊपर देखते, ऊपर भी जॉइंट है बराबर, वापस थोड़ा आगे जाने का, इधर स्क्रॉल करके आगे जाते, अरे नीचे देखने का, इधर इधर भी जॉइंट है ना, अभी इस लाइन को थोड़ा आगे देखते हैं, इधर जॉइंट, किधर तो ओपनिंग रहेगा इसलिए कलर नहीं फील हो रहा है, देखो आ रहा है इधर आगे, हम वापस क्या करते, थोड़ा नीचे आते, देखो समझ में आ रहा है कलर क्यों नहीं फील हो रहा था, ये लाइन इधर जॉइंट है क्या, कैसे जॉइंट करोगे, क्या लेने का है, पेंसिल, क्या लेने का है, पेंसिल लिया, कौन सा कलर लोगे, चाहे तो ब्लैक कलर लेने का, तो ब्लैक कलर से फिल करो, इसको क्लिक करो, और जैसे क्या करोगे, ज्वाइंट करने का, इधर से देखो हो गया ज्वाइंट, अभी अभी साइज कितना हो गया इसका, 400 हो गया ना, तो साइज कम करने का तो किधर जाओगे, माइनस के ऊपर क्लिक करो एक बार, तो थोड़ा साइज थोड़ा कम हो जाएगा, देखो आ गए 100 तक, अभी इसको थोड़ा ऊपर खींचते हैं इस साइड से, और इस साइड से क्या करते, थोड़ा लेफ्ट में आ जाए, देखो आ गया इतना, समझ रहे स्क्रॉल का यूज़ क्या होता है, अभी कलर फिल करके देखते हैं किधर जाओगे, बकेट में जाने का है, कौन सा कलर चाहिए, ये लिखा है रोज करके, इसमें आके क्या करोगे एक बार फिल कर दो, समझ रहे कलर कैसे फिल करने का, अगर कलर बाहर फिल हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट चारों साइड से बंद है क्या, नहीं है, तो कैसे देखने का, तो जूम साइज करके आप देख सकते हो, अभी हमें इतना सिलेक्ट करने का है, तो शॉर्टकट किस बोलो क्या है, कंट्रोल ए, और नहीं चाहे तो कौन सा बटन दबोगे, डिलीट, हो गया इतना, अभी दूसरा ऑब्जेक्ट देखते ट्राई करके, समझे ना, दूसरा कोई ड्राइंग देखना रहेगा तो किधर जाओगे, इस बकेट से ड्रा कर सकते हो, लेकिन वो फिलहाल हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, आज का देखने का है सिर्फ पेंटिंग का प्रैक्टिस करने का है, इसका प्रैक्टिस करने का है पेंटिंग का, कैसे चालू करोगे पेंट, फिर वापस ले जाने का है पेंसिल के ऊपर, अभी अगर ड्रॉ किया तो कौन से कलर में आएगा, ये पिंक कलर, क्योंकि इधर जो कलर है उसमें ही आएगा,
समझेगा। अगर बाय मिस्टेक आपने इधर क्लिक कर दिया और व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक कर दिया, देखो कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, समझेगा। ऐसा आ रहा तो पहला देखने का इधर कलर कौन सा है, तो इधर हमेशा कौन सा कलर रखोगे पहला? ब्लैक कलर रखो। बाद में आ रहा है, देखो आएगा सर ड्राइंग बनाने के लिए, करोगे इतना? नहीं चाहिए तो क्या करोगे, कंट्रोल ए और कौन सा बटन दबाने का हमेशा? डिलीट, और वापस क्या लोगे? पेंसिल, समझेगा। आज ज़्यादा करके पेंसिल का प्रैक्टिस क्यों करने का है? क्योंकि आपका पहला ही लेक्चर है ना, तो आपको माउस बराबर पकड़ने के लिए आना चाहिए। तो माउस का ग्रिप कभी पता चलेगा, जैसे आप पेंसिल से यूज़ करोगे अलग अलग ड्राइंग बनाते जाओगे तो माउस का यूज अपने आप आ जाएगा। अगर सपोज आपको नहीं जम रहा है बराबर, तो दो चार लेक्चर मतलब दो तीन घंटा पहले पेंट का ही प्रैक्टिस करो, मतलब पेंसिल का प्रैक्टिस करो, तो इजीली आप आ सकते हैं, मतलब कंप्यूटर चला सकते हो आप, मतलब माउस यूज कर सकते हो। करोगे इतना? बोलो जरा, इधर से नहीं चाहे तो क्या करने का है? क्लोज करोगे, नहीं चाहे तो क्या करने का है? क्लोज, बोलो ना। अब ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल, इसका मतलब क्या है? अभी हमने इधर कुछ चेंजेस किया था ना कुछ ड्रॉ वगैरह किया था, उसको सेव करने का ही था यहाँ, तो फिलहाल हम क्या करने का है? डोंट सेव। अभी तक हमने सेव करने को दिखाया क्या? नहीं दिखाया, फिर क्या करोगे? डोंट सेव कर दिया। आएगा अभी वापस पेंट ब्रश चालू करने के लिए, बोलो किधर जाने का है? स्टार्ट, स्टार्ट में इसमें क्या लिखने का है? या तो पी ब्रश लिखो, या फिर किधर जाओगे? ऑल प्रोग्राम्स, बाद में एसेसरीज, बाद में किधर जाओगे? पेंट, करोगे इतना? समझेगा। देखो इतना प्रैक्टिस करके आज